लॉयंस क्लब सम्राट की ओर से शिक्षक दिवस एवं क्लब का अधिष्ठान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं जनपद रामपुर में लॉयंस क्लब सम्राट की ओर से शिक्षक दिवस एवं क्लब का अधिष्ठान समारोह का आयोजन होटल रेडियंस पार्क में किया गया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब सम्राट के संजीव अग्रवाल, प्रभात अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, विपुल गुप्ता आदि ने भाग लिया। क्लब की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल फौजा बेगम, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य राम घनपाल तथा मोदी स्कूल से अमित मल्होत्रा को विनय मित्तल द्वारा इंटरनेशनल से आय सर्टिफिकेट एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। अध्यापकों ने महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इसके अतिरिक्त सरस्वती शिशु मंदिर सिविल लाइन्स की बाउंड्री का उद्घाटन किया गया तथा क्लब के सदस्य अरविंद पांडे द्वारा हरियाल गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में एक कक्ष का निर्माण कराया गया। सभा के अंत में नए अध्यक्ष दीपक गोयल ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। मैं दीपक गोयल, प्रेसिडेंट लायंस क्लब सम्राट रामपुर। जो जिम्मेदारी मुझे मेरे क्लब के द्वारा दी गई है उसे मैं पूर्णतः निभाऊंगा। जो कार्य मुझे ऐसे दिखाई देंगे जो होने वाले समाज में बहुत जरूरी है वो कार्य हम सब मिलकर के करेंगे और जो कार्य हमने आज यहाँ कहा है होने हैं वो कार्य सब होंगे। जो पहले हो चुके 3 महीने में उसका विवरण आज दे दिया गया है, बाकी तो सबको साथ में लगा करके चलना है और ये क्लब खूब आगे बढ़ेगा और खूब काम करेगा। नवीन गुप्ता, आज क्या कार्यक्रम किसकी ओर से हो रहा है? आज हमारे क्लब का इंस्टॉलेशन यानी अधिष्ठापन समारोह था और इसमें हमारे आज 8 सदस्य इस परिवार में जुड़े हैं। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के हम लोग सदस्य हैं जो सेवा कार्यों के लिए पहचाना जाता है। ये लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से जो हमें एक एड के रूप में जो हमें एक आई हॉस्पिटल जो दिया गया है जिसकी ग्रांट दी गई थी वो ग्रेटर और लॉयंस क्लब ग्रेटर का जो साहनी हॉस्पिटल बना हुआ है वो हमारे लॉयंस क्लब का ही है। वो बाकी हम लोग सेवा कार्य हमेशा आगे करते रहते हैं। आज हम लोग सोचते थे मंदिर में ग्रिल बनवाएंगे, हमने ऊपर छत के बच्चे यहाँ पे गिर जाते उनको बहुत चोट लगने की संभावना थी, इसलिए 1,65,000 रुपये करीब हमारे उसमें खर्च हुए। उन्होंने काम कार्य कराया है। ग्राम हरियाल में एक स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल में एक कक्ष का निर्माण कराया है जो हमारे क्लब के सदस्य डॉक्टर अरविंद पांडे जी द्वारा कराया गया है। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। ये क्लब हमेशा समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है, आगे करता है। हमने कोरोना काल के टाइम के अंदर भी कम से कम 40 दिन शुरू के 40 दिन अपने कार्यक्रम किए थे। जो शासन से हमें लिस्ट मिलती थी हम उन गाँव में जाकर के हम लोग अनाज खाना दवाइयाँ मुहैया कराते थे और हम आगे भी इस तरीके से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते। आज किसे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आज हमारा जो अध्यक्ष हुए हैं भाई दीपक गोयल जी, जो आप तो अब उनसे क्या उम्मीदें लगाएंगे? इनसे उम्मीदें लगाने की बात तो यह है कि इनके कार्यकाल में बहुत प्रोग्राम पहले ही हो चुके हैं, जो आज का कार्यक्रम इन्हीं के दिशा निर्देशों में हुआ है और आगे भी हमारा एक कार्यक्रम कन्या विवाह का है जो फरवरी के माह में रखा जाएगा, जो थोड़ा मौसम गुलाबी होता है। लगभग 5 से 6 कन्याओं का हमारे पास उसमें आ चुका है, बस एक निश्चित तिथि है जिसके अंदर हम उसको घोषणा करेंगे, इसके बाद नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके के सारे कार्यक्रम समाज से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम होते हैं वो हम करने का हमारा विचार है और इसके लिए हम